बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ज़िंदगी बहुत ही मज़े और सुकून की गुजर रही होगी। आपका दस्तरखान हमेशा मज़े मज़े के खानों से सजा रहे, दुआ है मेरी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिरयानी, स्पाइसी बिरयानी बनाएंगे, चिकन टिक्का बिरयानी। बहुत मज़े की, बहुत लाजवाब, आप देख सकते हैं कितने मज़े की है। हमारा अलग अलग चावल बना है, दम बिरयानी मैंने बनाई है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताऊंगी ना जी व्यूअर्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मैंने ले लिया है चिकन 1 kg और हम ले लेंगे दही, जो कि मैंने लिया है घर का बना हुआ 1 कप। 1 कप आप दही ले लीजिए। और इसके बाद हम इसमें सारे इंग्रीडियंट्स शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल कर देंगे और इसके बाद हम इसमें घर का बना हुआ मसाला शामिल करेंगे। 2 टीस्पून टिक्का मसाला। अगर आपने मेरी टिक्का मसाला की रेसिपी नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे साल्ट 1 टीस्पून। वैसे इसमें टिक्का मसाले में भी होगा, वैसे आप इसमें मजीद भी शामिल कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून एंड हम इसमें शामिल कर देंगे जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट भर के, 2 टेबल स्पून भर के आपने इसमें शामिल कर देने हैं। आपने इन सबको बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है। मैं आपको बता रही थी टिक्का मसाला मैंने आपको बनाना भी सिखाया है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। इसका मैंने जो टिक्का मसाला तैयार किया था उसका जायका बहुत ही लाजवाब है, मार्केट से 1000 गुना बेहतर मैंने आपको बनाना सिखाया है जी व्यूअर्स। पैन ले लेंगे, हमने इसमें अनियन शामिल कर दिया। अनियन मैंने ले लिए बिग साइज के 5 to 6। इसमें हम ऑयल शामिल कर देंगे तकरीबन 1/2 कप या इससे भी ज़्यादा, आप बाद में शामिल कर लीजिएगा देख के, लेकिन फ़िलहाल की घड़ी मैं 1/2 कप इसमें शामिल कर रही हूँ। अब हम इसे लो स्लो से फ्लेम पे रख देंगे सोते हुए के लिए, ताकि हमारे अच्छे तरीके से गोल्डन से कलर के हो जाएं। ये देखें जी, गोल्डन कलर के हमारे होना स्टार्ट हो गए हैं, 5 मिनट गुजर गए थे। बहुत मज़े की बिरयानी बनने वाली है, बच्चों की बड़ों की पसंदीदा तहदार बिरयानी जी व्यूअर्स। गोल्डन कलर के हमारे प्याज हो गए हैं, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें अपना चिकन शामिल कर लेना है, जो कि मैंने फुल चिकन लिया था 1 kg। 1 kg आप फुल चिकन ले लीजिए जिसको जो पसंद हो। अगर आप बोनलेस चिकन से बनाना चाहते हैं तो आप बोनलेस चिकन से भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है जी व्यूअर्स। हम इस तरीके से इसे अच्छे तरीके से सबसे पहले इसे भून लेंगे बहुत अच्छे ज़बरदस्त तरीके से। हमने सारे के सारे मसाले जो थे वो अपने दही में शामिल कर दिए, ताकि हमें बार बार मसाले ना ऐड करने पड़े, हमें बार बार कुछ भी ना करना पड़े। अब हम क्या करेंगे, दही वाले मसाले जैसे ही हम देखेंगे चिकन हमारा खड़ा हो गया है, थोड़ा सा गोल्डन से कलर का हो गया है, हम इसमें दही वाले मसाले शामिल कर देंगे और इसके बाद इसे पकने देंगे इसके दही वाले ही मसाले में। हमने जो पैन में शामिल किया था, जिस पैन में थोड़ा सा पानी उसमें शामिल कर देंगे, ताकि जो दही साथ लगा हुआ था वो सारे का सारा भी इसमें चला जाए, कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। संडे स्पेशल बच्चों की फरमाइश होती है कि आज हमने बिरयानी खानी है और स्पाइसी बिरयानी खानी है, बहुत मज़े की। आपको मार्केट जैसी बिरयानी नहीं बनानी आती, मार्केट वाले तो बिल्कुल भी बिरयानी ऐसी बनाते ही नहीं है ना, तह वाली बिरयानी कभी भी नहीं वो बनाते। वो हमेशा एक चावल बना के, यानी कि आपको और उसके ऊपर कलर ऐड कर देते हैं, वो कहते हैं कि ये बिरयानी है। हालांकि ओरिजिनल बिरयानी की रेसिपी जो है वो इस तरह से है जो मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ जी व्यूअर्स। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, काफ़ी देर हो गई है, हमारा ऑयल भी इसमें से यानी कि अलग हो गया था, हनिया ने छोड़ दिया था, और आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ज़बरदस्त सा भून हो रहा है ना। अब हम साइड पर क्या कर लेते हैं, 2 अदद सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। इसके अंदर हम फैजीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून पानी में, क्योंकि हमने राइस बॉईल करने हैं। और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे साल्ट एज रिक्वायर्ड। अब इसे चेक करके पानी में देख लीजिएगा, जिसमें आपका साल्ट आपका तेज़ होना चाहिए, ताकि आपके चावलों को अगर तेज़ होगा तो चावलों को लगेगा। अब हमने टोमेटोज भी बीच में शामिल कर देने हैं, जो मैंने दो अदद लिए हैं बिग साइज़ के। राउंड शेप में मैंने इसलिए कटिंग की है कि जैसे ही इसका साइड से इसकी स्किन अलहदा होगी तो वो मैं इसे रिमूव कर दूंगी, ताकि कुछ भी हमारा निकालने वाला कुछ ना हो, यानी कि हम सब कुछ इसके अंदर ही पकाएं और आराम से इजीली हम इसे खा सकें। साथ साथ जैसे जैसे
अलग होते जा रहे हैं। मैं इसका रिमूव यानी कि इसको निकालती जा रही हूँ, इसकी स्किन को आप देख सकते हैं इस टाइम पे कोई स्किन नहीं और ऑयल भी अलग हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, सारे का सारा मसाला ट्राई करूँगी कि काफ़ी हद तक इसमें से मसाला निकाल लूँ, अपना मसाला अलग कर लूँगी। मैंने मसाला अलग कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है, तकरीबन 1 कप के करीब। ये देखें सारा मसाला, ये रहा ऑयल भी। अगर हम नीचे ऑयल में रख के पकाएंगे तो ये कभी भी हमारे चावल अच्छे नहीं पकेंगे, ऑयल आपने निकाल लेना है। अब हमने क्या करना है, इसका थोड़ा सी ग्रेवी तैयार कर लेनी है, बहुत बेहतरीन सी। इसके अंदर हम क्या शामिल करेंगे, कोरिएंडर सब धनिया शामिल कर देंगे, सब पुदीना शामिल कर देंगे जो कि हमारे घर में ही लगा हुआ है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। ये हम थोड़ा सा शामिल करके इसे हम पकने के लिए रख देंगे। साइड पे हमारे चावल भी तैयार हो रहे हैं, पानी बॉईल हो गया था, मैंने उसके अंदर चावल भी ऐड कर दिए हैं। ये देखें चावल मैंने ले लिए थे 1 किलो, 1 किलो चावल और 1 किलो ही चिकन, इक्वल क्वांटिटी में मैं दो चीज़ें ली हैं। बेहतरीन सा हमारा चावल जो है वो हमने ले लिया है, हमने फूड कलर और केवरा वाटर दोनों को मिक्सअप कर लिया जल्दी जल्दी से। और ये देखिए आप पकना स्टार्ट हो गया और ये ग्रेवी ग्रेवी बन गई है, चावल हमारा हो गया है तैयार। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने तह लगा लेनी है एक, यानी कि लेयर की ना, एक ही लेयर लगाई है। उसके बाद जो हमने मसाला निकाला था आप देख सकते हैं ऑयल कितना सारा है, ये हमने सारे का सारा ऊपर से डाल देना है। अगर ये नीचे रहता आप देख सकते हैं फिर ये सारे का फिर चावलों को कैसे लगता, चावल तो वैसे ड्राई रहते, चावलों को भी तो हमने करना है ना वेट। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने ऊपर से शामिल करना है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हमने इसके ऊपर शामिल कर देना है केवड़ा एंड जो हमने फूड कलर लिया था वो हमने इसके ऊपर से ऐड कर देना है, बहुत बेहतरीन। इसे हम स्टीम कर देंगे 20 मिनट के लिए। अब 20 मिनट के बाद चेक करते हैं, माशाल्लाह खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बहुत मज़े के लग रहे हैं जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, माशाल्लाह माशाल्लाह से क्या खिला खिला हमारा चावल तैयार हुआ है। हालांकि चावल मैंने फुल नहीं लिया, एक होता है पूरा चावल, एक होता है पौना और एक होता है आधा, यानी कि ये मेरा पौना चावल है। आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त इसकी कलरिंग है, इसके अंदर हमारा मसाला भी काफ़ी सारा है क्योंकि हमने नीचे इसकी ग्रेवी तैयार कर ली थी और ये ग्रेवी की वजह से इतना सारा मसाला तैयार हुआ है, बहुत यमी लग रहा है, बहुत मज़े का। मैं इसे ट्राई करती हूँ, स्पाइसी सी बिरयानी बनी है, बहुत यमी सी, कुछ भी इसमें निकालने वाला नहीं है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपने दुआ में याद रखिएगा। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।